जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि उनके सर पे, मतलब ऊपर साइड, कुछ भंवर चक्र टाइप बने हुए हैं। ये भंवर चक्र क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। तो ये क्या संकेत करते हैं? तो क्या आपको पता है कि ये बच्चे के स्वभाव के बारे में, मतलब बच्चे के बारे में बहुत से साइन देते हैं। किसी बच्चे के सर पर ये एक होता है, किसी बच्चे के सर पर दो होते हैं। तो चलिए जानते हैं ये बच्चे के बारे में क्या क्या इंडिकेट करते हैं, कैसे बच्चे के बारे में बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आप सबके साथ रेशु, और आप सबका एक बार फिर से इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करें जिन बच्चों के सर पर क्लॉकवाइज भंवर होता है, मतलब एक ही होता है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होते हैं, और इनका जो नेचर है बहुत ज़्यादा शांत होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम एंटी क्लॉकवाइज भंवर जिनके सर पर होता है, तो ऐसे बच्चे भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे थोड़े से चंचल होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे बच्चे दूसरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब काफ़ी लविंग नेचर के होते हैं। इसके बाद बात करें तो जिन बच्चों के सर पर दो भंवर चक्र होते हैं, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा नॉटी, गुस्सेल, चिड़चिड़े नेचर के होते हैं। जो भी करते हैं चिड़चिड़ के करेंगे, गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाएंगे एंड ये किसी की सुनते नहीं है। जो इनको करना होता है वो करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, फोकस कम करते हैं चीज़ों पर, मतलब बहुत ज़्यादा मस्तीखोर टाइप होते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये खुद फेस कर रही हूँ। मेरा जो बेटा है उसके सर पे दो भंवर हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और जैसा मैंने बताया वो सेम ऐसा ही है। एंड मेरी बेटी के सर पे केवल एक भंवर है एंड वो क्लॉकवाइज है। तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा शांत नेचर की है, इंटेलिजेंट भी है। तो मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आपको बता रही हूँ। तो आप भी अपने बच्चे के सर को नोटिस कीजिए, देखिए बच्चे के सर पर क्लॉकवाइज भंवर है, एंटी क्लॉकवाइज भंवर है या फिर दो भंवर है। तो इससे आप अपने बच्चे का नेचर का पता लगा सकते हो कि मेरा बच्चा आगे चल के कैसा होने वाला है। तो आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा, नॉलेजेबल रहा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक भी जरूर करें, इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।